हाय गाइस, हेलो फ्रॉम मकबूल ऑटोमोबाइल। ये आज हम और ये हमारे समीर भाई हाजी मोटर से पहाड़गंज से हम जा रहे हैं आज जैगवार एक्सेप्ट करने कानपुर बाय रोड कार से। और हम ट्रेवल कर रहे हैं, अभी गाड़ी चला रहे हैं, आप देख सकते हो। और वहाँ पहुँच के अब अपना टूल लगा के फिर उसको बोर्डिंग प्रोग्रामिंग करेंगे, क्या कमी है उसके अंदर डायग्नोस करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में, उस पर काम करेंगे। ठीक है, आगे की वीडियो आपको कानपुर के रास्ते में मिलेगी। ये हम दिल्ली से कानपुर जा रहे हैं, अभी रास्ते में हैं, ऑन द वे। गाना बंद कर रखा है ताकि कॉपीराइट ना हो जाए, आप देख सकते हो कितना हो रहा है। ये मथुरा वाला टोल है, या मथुरा के टोल पे पहुंच गए। 175 किलोमीटर चल चुकी दिल्ली से, आप देख सकते हो। गाड़ी अपनी और अभी हमें 300 किलोमीटर और चलना है। अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे जब लखनऊ एक्सप्रेस में चल चुके कानपुर के लिए, कानपुर पहुंच गए, आप देख सकते हो सारी कानपुर नंबर गाड़ी है। और लोकेशन पे गाड़ी खड़ी है, 28 किलोमीटर बाकी है अभी, और हम कानपुर पहुंच गए। आप देख सकते हो कानपुर नंबर गाड़ी है सारी। फाइनली हम गाड़ी पहुँच गए कानपुर, या आप देख सकते हो कानपुर नंबर है गाड़ी जैगवार एक्सेफ, उसकी कंडीशन देख सकते हो। और हमने इसमें अपना जेलर वगैरह सब कुछ लगा लिया है। ये हमने इसमें जेलर लगा लिया है, चाहे हम पी चुके, इसमें कमी ये कमी आ रही है इसमें। वो दे रहे हैं बोर्ड बना के ना, आ जाएगा यहाँ तक तो।
भाई जान भी हमें यूट्यूब के जरिए मिले वही तो कह रहे हैं, वो नहीं करेंगे तो आप कैसे भाई कैसे मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ कानपुर नगर में खाली गाड़ी, ये हम बैटरी टोस्टिंग लगा रहे हैं। ये हम कानपुर सिटी में हैं अभी इस टाइम। ये हमें गाड़ी स्टार्ट रखनी पड़ती है अली। हमारा जंप लगेगा, नहीं लग रहा है ना शायद, नहीं लगेगा लगेगा। MS मोटर क्या फोल्ड है सकते ये हमारा काम हो गया है जैगवार एक्सेप्ट में, ये आप देख सकते हो। और ये 4 से 5 महीने पुरानी गाड़ी है जो कि हमने काम किया है इसमें आज कानपुर आके, ये आप देख सकते हो। हमारा काम हो गया, इग्निशन आ गया है इसमें। जैगवार एक्सेप्ट आपको मैकेनिक से ही मिलवाएगी इनकी। आपको धूल मिट्टी देखी गाड़ी कितनी ऊपर धूल मिट्टी है, कोई धूल मिट्टी है गाड़ी के ऊपर। ये हमारा काम चल रहा है अभी, क्या गाड़ी का हाल देख सकते हो कैसा हाल है। ये कानपुर हम आए हुए थे, कानपुर नंबर करके हमारी I-20 कहाँ खड़ी है शायद लेके गए हुए सारी। यहाँ कानपुर नंबर है गाड़ी, ये गाड़ी का देखो हाल, पहिए तक जमीन पे धस गए इसके। फाइनली ये गाड़ी हमारी हो गई है, आपको हम गाड़ी स्टार्ट करके दिखाएंगे। बस इसकी बेसिक सेटिंग हमारे दोस्त कुछ चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाएंगे। ये हमने टॉचिंग वायर गाड़ी को अक्सर जब भी कोडिंग प्रोग्रामिंग कर रहे हो आप कोई भी गाड़ी का एक्सरीज, हमेशा
12 वोल्ट पे प्रोग्रामिंग ना करें, 13 वोल्ट पे प्रोग्रामिंग। गाड़ी स्टार्ट आइडल पोजीशन पहुँची है अपनी, ये गाड़ी 13 वोल्ट होनी चाहिए। अपने पास सप्लायर है तो सप्लायर है तो अलग बात है। आपको दिखाते हैं गाड़ी हमारी स्टार्ट है आइडल पे, और कोशिश करिए डीजल गाड़ी हो ज़्यादा बेहतर रहेगी। आप देख सकते हो हमारी गाड़ी ये आइडल पे है स्टार्ट। आइडल पे डीजल गाड़ी होती है तो पावर अच्छा मिलता है, कंडीशन सही मिलता है। हमारा एडमिशन आया हुआ है इसमें, फाइनली हमारी कोडिंग्स प्रोग्रामिंग्स जो है सक्सेसफुल हो गई है। ये आप देख सकते हो हमारा बैटरी ग्रीन है, बिल्कुल ओके है। हमारी प्रोग्रामिंग कोडिंग बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया है। अब हम इस पर इग्निशन देखेंगे, आ रहा नहीं आ रहा। ये हमारा इग्निशन आ गया है इसमें, पहले गलती से ब्रेक लग गया था। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, ये देखिएगा हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। गियर का पोजीशन देख लीजिए, ये रिवर्स, कैमरा आ गया, एंड न्यूट्रल और स्पोक्स। ये पावर बंद कर ले रहा हूँ, इसके ये रिमोट है। स्टार्ट वर्क डन, मकबूल ऑटोमोबाइल सक्सेसफुली काम हो गया अपना। कानपुर आइटम, दिल्ली टू कानपुर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये काम हमारा हो गया, फाइनली हम लैपटॉप अपना बंद कर लिया। इसमें एक ये एंटीना ख़राब था जो कि हम डाल दिया।